प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 3.3 को प्रारंभ करेंगे और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1, 2 और प्रश्न संख्या 3 को कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसके पहले बच्चों, इस प्रश्नावली में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया था। वे 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहला तो है बच्चा प्लस और माइनस। प्लस माइनस चिन्ह एक साथ आ रहे हों तो वहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। दूसरा यहाँ पे है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस। तीसरा लिखोगे माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और चौथा लिखोगे प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ये याद रखोगे, यानी प्लस माइनस चिन्ह आपस में भिड़ रहे हों तो कौन जीतेगा? माइनस जीत जाएगा। माइनस और प्लस, माइनस प्लस आपस में भिड़ रहे हों तो कौन जीत रहा है यहाँ पे? माइनस जीत रहा है। यहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह आपस में भिड़ रहे हैं तो कौन जीत रहा है? प्लस जीत रहा है। और यहाँ पे प्लस प्लस चिन्ह भिड़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस जीत रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? चलिए अब करते हैं हम प्रश्न को प्रारंभ। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, इनके मान लिखिए। आपको सिर्फ याद रखना है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो ए है माइनस और अंदर है ब्रैकेट के अंदर -10। तो यहाँ आप देखिए माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यानी 10 जो होगा वो प्लस का होगा, 10 धनात्मक होगा। आप 10 ऐसे लिख सकते हो या फिर 10 के आगे आप प्लस भी लगा सकते हो। दोनों ही तरह से आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या बी है माइनस और ब्रैकेट के अंदर है -1। तो माइनस और माइनस क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस हुआ। तो यहाँ पे 1 जो है वो धनात्मक का होगा। 1 के आगे आप प्लस भी लगा सकते हो। प्रश्न संख्या सी है माइनस और +13। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 13 जो है वो माइनस का होगा। प्रश्न संख्या डी है माइनस और +3। तो माइनस प्लस माइनस होगा, 3 जो है वो ऋणात्मक का होगा। यहाँ पे 13 भी ऋणात्मक का होगा। क्लियर है? काफ़ी आसान प्रश्न थे। प्रश्न संख्या बी भी काफ़ी आसान है। प्रश्न संख्या बी है घटाइए। प्रश्न संख्या ए है इसमें 37 में से 20 को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इसमें से इकाई अंक को घटाइए। 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 17 इसका उत्तर हुआ। इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में से 37 बड़ा है। 37 धनात्मक का है तो 17 भी धनात्मक का होगा। प्रश्न संख्या बी है 72 जोड़ -90। तो यहाँ पे 72 का 72 लिखिए पहले। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हुआ, 90 का 90। अब यहाँ पे है 72 में से 90, 72 माइनस 90, तो घटाना है हमें। 90 में से 72 घटाइए, तो 90 में से 72 घटाओगे, उत्तर आएगा आपका 18। क्या 18 उत्तर हमारा सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इन दोनों में से 90 बड़ा है, 90 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो 18 के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। अब हमारा उत्तर सही है, -18 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या सी है -15 माइनस -18। तो -15 का -15 लिखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को समाप्त कीजिए, जो कोष्ठक है उसे समाप्त कीजिए। तो -15 का -15 लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे माइनस, अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे +18 लिख देंगे ऐसे करके। अब यहाँ पे -15 + 18, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस हुआ। 18 में से 15 घटाइए तो 15 16 17 18, 3 आएगा। 3 प्लस का होगा या माइनस का? 3 होगा प्लस का, क्योंकि दोनों में से 18 बड़ा है, 18 के आगे प्लस है, तो 3 के आगे भी प्लस लिखेंगे। या फिर 3 ऐसे ही लिख दीजिए, इसका अर्थ यह हुआ कि 3 धनात्मक है। यहाँ पे है बच्चा -32 - -40। तो -32 का -32 लिखिए। यहाँ पे है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 40 का 40 लिख दिया हमने। माइनस प्लस माइनस, 40 में से 32 घटाओगे तो आएगा 8। अब 8 धनात्मक का होगा या ऋणात्मक का?
दोनों में से 40 बड़ा है, 40 का आगे प्लस का चिन्ह है, इसीलिए 8 भी धनात्मक का होगा। प्रश्न संख्या ई है -9 -27, तो -9 को -9 ऐसे लिखिए, -27 का -27 ऐसे लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गए, 27 और 9 आपके हुए 33। अच्छा 27 और 9 27 और 3 इधर 30 और 6, अच्छा 36 होंगे, माफ़ कीजिएगा, 27 और 9 36, तो 36 यहाँ हुए। दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा है 27 के आगे माइनस का चिन्ह, तो 36 के आगे भी होगा माइनस का चिन्ह, ठीक है, 27 9 36, ठीक है। प्रश्न संख्या एफ है बच्चा -8 -10, तो -8 का पहले -8 लिखिए, पहले ब्रैकेट को समाप्त कीजिए, उसके बाद यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 10 लिख देंगे, -8 + 10 हमने लिखा। अब फिर से यहाँ पे -8 + 10, -+ -, 10 में से 8 घटाओगे तो आएगा 2, दोनों में से 10 बड़ा है, 10 के आगे प्लस का चिन्ह, तो 2 भी प्लस का होगा या धनात्मक होगा। यह था प्रश्न संख्या 2, नोट किया आपने। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं, प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित स्थानों को यहाँ पे बड़ा छोटा या बराबर से भरिए। यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, इन दोनों को हल करने पर कौन बड़ा आएगा, ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, हल करके देख लेते हैं। पहले इसे हल करते हैं, तो -4 का -4 इधर +-6 होगा, तो -4 और यहाँ पे हुआ -6, यहाँ पे माइनस यहाँ भी माइनस, तो --+ 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10। अब 10 माइनस का होगा क्योंकि इन दोनों में से 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे -10 आया। इसे हल करते हैं, तो यहाँ पे -4 का -4 यहाँ -+ हो गया +6। अब यहाँ पे है माइनस यहाँ पे प्लस, -+ -, 6 में से 4 घटाओगे तो आएगा 2, दोनों में से 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस का चिन्ह, इसीलिए 2 भी जो है वो प्लस का होगा। 2 धनात्मक संख्या है और यहाँ पे -10 ऋणात्मक संख्या है। तो बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ खुला हुआ मुंह रहेगा और जो संख्या छोटी है उसके तरफ बंद मुंह, यानी यह चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके इसके ऊपर भी यही चिन्ह लगा दीजिए और इसी प्रकार जो यह जो है पूर्णांक, इन पूर्णांकों से बड़ा होगा, ये हमारा बिल्कुल सही है, यह पद इन पदों से बड़ा होगा। यहाँ पे बच्चा प्रश्न है -21 -10, फिर इधर है -31 -11, तो इसे हल करते हैं, -21 का -21 लिखिए, माइनस और माइनस प्लस हुआ तो +10 लिखेंगे, यहाँ पे -+ -, 21 में से 10 घटाओगे तो आपका उत्तर आएगा 11, दोनों में से 21 बड़ा है, 21 के आगे माइनस का चिन्ह, इसीलिए 11 के आगे भी माइनस का चिन्ह, -31 को -31 लिखिए, -+ हुआ तो +11, -+ हुआ, 31 में से 11 घटाओगे तो उत्तर आएगा आपका 21। अब आप यहाँ बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, -11 बड़ा है या -21 बड़ा है, बताइए। मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लिखा हुआ हो तो जो संख्या छोटी होती है वही संख्या यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 11 छोटा है, क्योंकि दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो 11 यहाँ पे माइनस का जो 11 है वो माइनस के 21 से बड़ा है, यानी यह चिन्ह होगा खुला हुआ मुँह इधर होगा, बंद मुँह इधर होगा, तो यह मुँह इधर बना ले, इसे मिला लेंगे, ऊपर भी बना लीजिए और यहाँ पर भी बना लीजिए। प्रश्न संख्या इसी का सी दे रखा है, इसे हल करते हैं, यहाँ पे -25 का -25 लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गए, +42, अब यहाँ पे -25 + 42 -+ -, 42 में से 25 घटाओगे तो उत्तर आएगा 17, दोनों में से 42 बड़ा है, 42 के आगे प्लस का चिन्ह, इसीलिए 17 भी धनात्मक होगा। इसे हल करते हैं, तो -42 का -42 यहाँ पे -25 हो गए, तो माइनस और माइनस प्लस, तो -और -+ हुए +25, -और +- होंगे, 42 में से 25 घटाओगे तो उत्तर आएगा यहाँ पे 17, अब यह 17 माइनस का होगा क्योंकि इन दोनों में से 42 बड़ा है, 42 के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए 17 के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, धनात्मक का 17 बड़ा है या ऋणात्मक का, ऋणात्मक का 17 छोटा है, धनात्मक का 17 बड़ा है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, यह चिन्ह लगेगा खुला हुआ मुंह इधर होगा, बंद मुंह -17 की तरफ होगा।
ऐसे आपको तीनों में कर लेना है। प्रश्न संख्या डी, इसे बनाते हैं माइनस पैंतीस का, माइनस पैंतीस लिखेंगे, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस चालीस। अब यहाँ पे माइनस पैंतीस प्लस चालीस, माइनस प्लस माइनस हुआ, चालीस में से पैंतीस घटाओगे तो आएगा पाँच, और पाँच जो है वो धनात्मक का होगा क्योंकि इन दोनों में से चालीस पड़ा है, चालीस के आगे प्लस का चिन्ह है तो पाँच भी धनात्मक का होगा। इस सर हल करते हैं, माइनस चालीस का माइनस चालीस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ग्यारह। अब इसे हल करेंगे, माइनस चालीस प्लस ग्यारह, माइनस प्लस माइनस, चालीस में से बारह घटाओगे, बारह यहाँ पे है, चालीस में से बारह घटाओगे, यहाँ पे बारह नहीं होना चाहिए, यह जो ग्यारह है यहाँ पे बारह, इसे ग्यारह ही कर लीजिए। क्या करेंगे यहाँ पे, ग्यारह, चालीस में से ग्यारह घटाएंगे, चालीस में से ग्यारह घटाइए यहाँ पे, चालीस और ग्यारह तो इधर कैरी लिए, इधर दस, दस में से गया नौ, यहाँ पे तीन में से गया तो उनतीस, उनतीस बचेगा बच्चा, यहाँ पे उनतीस होगा, और उनतीस जो है वो माइनस का होगा। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों में से चालीस पड़ा है, चालीस के आगे माइनस का चिन्ह है, इसीलिए जो उनतीस है उस उनतीस के आगे भी माइनस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का उनतीस लिखेंगे, यहाँ पे अच्छे से मैं कर देता हूँ ग्यारह, ठीक है। तो अब बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा है, माइनस का उनतीस बड़ा है या प्लस का पाँच बड़ा है। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याएं से छोटी होती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का पाँच जो है वो बड़ा होगा, माइनस का उनतीस छोटा होगा, चिन्ह इधर लगाएंगे, ठीक है। तो ये थे प्रश्न संख्या तीन। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पर नए हो तो भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे इसके प्रश्न संख्या चार, पाँच और छः को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।